पटना में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर एनडीए के विधायकों ने बेल में जाकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर भी विधायक धरने पर बैठे रहे। विपक्ष ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बेंगलुरु में एक ट्यूशन टीचर ने दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपों के मुताबिक होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने मंगलवार की शाम छात्र को बेल्ट से इस तरह पीटा कि उसकी पीठ पर पिटाई के निशान बन गए। परिवार ने बच्ची के शरीर पर चोट के निशान देखने के बाद नीलाम गला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन टीचर अब तक फरार है। महाराष्ट्र में रायगढ़ हादसे में अब तक 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। राहत और बचाव के काम में लगी रेस्क्यू टीम ने बस ड्राइवर श्रीकांत कांबले का शव भी नदी से निकाल लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के सावित्री नदी पर बने पुल के ढहने की वजह का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही आईआईटी मुंबई के 3 एक्सपर्ट की टीम जांच के लिए घटनास्थल पर भेजी गई है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिनों के भीतर सभी पुलों को ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मामले में पॉलिटिक्स जारी है। इस कड़ी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती अहमदाबाद पहुंची और पीड़ित दलितों से मुलाकात की। इस मौके पर माया ने जहां बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए माया के आंसुओं को घड़ियाली आंसू बताया। श्रीनगर में आवामी इतिहाद पार्टी के विधायक इंजीनियर राशिद ने यूएनओ दफ्तर के सामने मार्च निकालने के प्रयास को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने जवाहर नगर स्थित घर से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। रशीद सोनावर स्थित यूएनओ दफ्तर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अहमदाबाद गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहा। चर्चा के बाद गुजरात का कोई भी नेता कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। मुख्यमंत्री की रेस में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष विजय रूपानी और मंत्री नितिन पटेल के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। उत्तराखंड में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई सड़कों के जाल बिछाने की घोषणा की है। गडकरी के अनुसार पूरे उत्तराखंड में 1100 किलोमीटर नई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। 12,000 करोड़ की लागत से इस योजना को बनाया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में चोरों ने कांग्रेस की पार्षद विमल पाटिल के गले से सोने की चेन झपट ली है। विमल पाटिल के घर के नजदीक ही मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने झपट्टा मारकर गले से सोने की चेन खींच ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के दमदम में चौथी क्लास के छात्र को उसकी टीचर ने बुरी तरह से पीटा। छात्र के द्वारा परीक्षा की कॉपी में गलत रोल नंबर लिखने की वजह से टीचर ने उसकी पिटाई कर दी।